ABCR the dimensions. Now write one another question using dimension to convert the value of acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square into cgs unit Anybody else in the class can convert it using dimension? What is the dimension of g? The acceleration ki dimension kya hoti hai? Lt minus 2. Yeah. Dimension of acceleration due to gravity hoti hai Lt minus 2. Right, the value is 9.8. M या है नहीं, right? ऊपर वाली dimension में M नहीं है. L1 meter system में होगा तो उसमें 1 centimeter होगा power 1. दोनों system में second की unit same रहती है. SI system हो या CGS, units time की second ही होती है. राइट 9.8 ये 1 मीटर है 100 हो गया 0 कैंसिल हो गया पावर 0 की वैल्यू 1 होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 9.8 इनटू 100 दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर This is the first application of dimension. Now second one. First application में आपने ये check कर लिया कि एक system को दूसरे system में कैसे convert करते हैं using dimension. Second application heading करिए to check. Second application due of dimension to check the physical formula like what important baat bata do एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है जब उनकी डायमेंशन सेम होती है वरना ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती फॉर एन एग्जांपल आपने फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है बीस पॉइंट इक्वल टू आयुष गर्ग बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस राइट नाउ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट केमिस्ट्री वी विल चेक मैंने बोला था एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट होगी जब उनकी डायमेंशन सेम होगी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी तभी फॉर्मूला बनेगा फिजिक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी ऋतिक वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए तब फॉर्मूला फिजिक्स का फॉर्म बनेगा वरना नहीं बनेगा
एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी का वैल्यू होगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, सबस्ट्रैक्ट भी तब होगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, राइट। मैं शो कर रहा हूँ ये फॉर्मूला फिजिक्स के हिसाब से ठीक है या नहीं, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि कुछ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होते हैं, उनकी डायमेंशन भी नहीं होती, कॉन्स्टेंट होते हैं, और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, नंबर की कोई डायमेंशन में डायमेंशन नहीं होती, लॉग की कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आप देखो मैं डायमेंशन को शॉर्ट में डिम लिखूंगा ऑफ LHS, LHS की लेफ्ट हैंड साइड। बी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मान्या प्रोसेस, मान्या velocity, final velocity, and what is the dimension of velocity, Manya? Sir, LT minus 1. Okay, now the power, zero down to be, what is dimension? It is the power raised on the physical quantity, so you can cannot neglect the power. Now the dimension of LHS is L2T minus 2. Similarly, dimension of RHS. We are checking the formula actually. Dimension of RHS means U is the initial velocity, so its dimension is same, LT minus 1 square. There is no dimension of number 2, 3, 5, 15, 16, right? So we will not write the dimension of 2. Dimension of acceleration, LT minus 2, and S is the displacement, so L. L2T minus 2, L2T minus 2. Dimension की एक क्वालिटी बता दूँ। अब देखो मैंने कहा इस फिजिकल क्वान्टिटी में ये तब ऐड होगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो ऐड हो रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते LT प्लस LT 2LT, नहीं। डायमेंशन में डायमेंशन का मतलब LT प्लस LT LT। 4 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू क्या बोल, 4 मीटर प्लस 5, 4 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर मीटर, राइट। व्हाट एवर द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट काउंटेड, व्हाट विल बी द काउंटेड, यूनिट और डायमेंशन, राइट। अगर LT plus LT, it is not 2LT, it is actually LT in dimension. In dimension, what is dimension? Dimension is the power raised on the physical quantities. किसी number की कोई dimension नहीं होती, log की नहीं होती, sin theta, ये सब किसी कोई dimension नहीं होती, numerical value की कोई dimension नहीं। मैंने कल आपको बताया था dimensionless constant, dimensional constant, dimensionless variable, dimensional variable, चार बातें बताई थी। So, dimension of LHS is equal to dimension of RHS. So, this formula is correct. Raj Yadav, I don't know you don't hear, but open your video. Raj Yadav, I am talking to you. Raj Yadav, Raj Yadav, I am talking to you, I know you don't care. Rajni ma'am, Raj Yadav, Rajni ma'am. Sir. ये राज यादव था, इसको हटा दीजिए क्लास से। सर राज यादव को? अभी आया था क्लास में, मैंने इसको वीडियो ऑन करने के लिए कहा। राज यादव, I am removing you or else it's better to reply. सर वीडियो ऑन है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। राज यादव, सबसे पहले तो आप अपनी पहले वो हटाइए जो आपने प्रोफाइल पर लगा रखी है अपनी। I don't care.
so I also not care you. मुझे एक फॉर्मूला और चेक करके बताऊं और एक देखो फॉर्मूला चेक करने का t is equal to 2 pi into l upon g which is another formula of physics t represents the time period l represents the length g represents the acceleration due to gravity is this formula is correct you may check तो आप कुछ चेक करके देखो अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा केमिस्ट्री चेक करो इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट आपको सबकी डायमेंशन मालूम है लेंथ की मालूम है एक्सेलरेशन की मालूम है टाइम की मालूम चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल साथ के साथ करा रहा हूँ आपको यस सर आ गया यस सर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट यस सर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट आदित्य सिंह यस सर या गोयल Yes, sir. Yes, correct sir. Correct formula. Correct. Hai. Is it correct? Yes, sir. Okay. Correct. Dimension of left hand side time is. Time ki dimension t hoti baat khatam. Dimension of RHS. अगर आप ध्यान से देखोगे पाई की कोई डायमेंशन नहीं टू की कोई डायमेंशन नहीं लेकिन लेंथ की डायमेंशन एल बेटा रूट अगर कहीं लगा होता पीयूष गुप्ता तो पावर कितनी होती है पीयूष आई एम आस्किंग यू पीयूष गुप्ता यस सर अगर अंडर रूट होता है इसका मतलब कितना पावर होता है व्हाट इज द पावर जी की डायमेंशन एल टी माइनस टू एल से एल अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है T पे वो माइनस टू पर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा नाउ डेट इज डायमेंशन करेक्ट एल एच एस का डायमेंशन आर एच एस के डायमेंशन के इक्वल है नाउ वन अनदर क्वेश्चन फॉर यू बी इज इक्वल टू पाई अपॉन एट पी आर टू पावर फोर eta l v is the volume per second या v volume per second है volume की dimension l cube और per second की t minus 1 हो जाएगी तो overall मैं इसकी dimension बताता हूँ LHS की बता दी आपको p या pressure है pressure की dimension मैं बता चुका हूँ r या radius है radius की dimension आपको note करा चुका हूँ eta यहाँ पे coefficient of viscosity है इसकी भी डायमेंशन बता चुका हूं एल लेंथ ऑफ द ट्यूब है अब इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर दीजिए डायमेंशन आपके पास पूरी होंगी 21 या 22 डायमेंशन यूजिंग दिस डायमेंशन एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस फॉर्मूला दिव्यांश सर आपने n इक्वल टू क्या लिखा है
एन नहीं है बेटा, ये एन नहीं है, एन ये ऐसे निकला हुआ है, इसे ईटा बोलते हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन में लिखवाया, सेकंड लास्ट डायमेंशन लिखवाया जब मैं क्लास में आपको सारे डायमेंशन लिखवाया। ओके सर, आर रेडियस है, आर रेडियस, पी प्रेशर, एल लेंथ ऑफ द ट्यूब, वी इज द वॉल्यूम पर सेकंड, ऑलरेडी रिटन द डायमेंशन, एलएचएस की डायमेंशन मैंने बता दी आपको, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बता दिया, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, इसका डायमेंशन एल टू टी माइनस वन हो गया, वॉल्यूम अपॉन सेकंड। दिव्यांश? यस सर। What is the dimension of coefficient of viscosity? Correct formula. Formula is correct. पक्का है? You are you sure? यस सर करेक्ट। कौन बोल रहा है भाई, बता देता हूँ। सर अनुराग, अनुराग सिंह। यस सर, अनुराग सिंह। यस सर करेक्ट, बिल्कुल सही है। बताओ कैसे करेक्ट है, मुझे आप मेरे को बोल बोल के बताओ सर। अब मैं लिखूंगा और आप बोलोगे, ठीक है? चलो भाई, मैं डायमेंशन ऑफ आर एच, अनुराग आपके पीछे जिसका वही आ रहा है क्या, बोलो सर। डायमेंशनलेस हो गया, और जो विस्कोसिटी कांस्टेंट है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और L की L तो L ही रहेगा, अब M से M कैंसिल हो जाएगा। हाँ करते नहीं है, बस वो समझ लेते हैं M है ही नहीं इसमें, L भी नहीं है, नीचे वाला L नहीं है, तो L माइनस वन और L ये भी नहीं है, T माइनस वन ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, T माइनस टू था तो सिर्फ T माइनस वन रह गया, ये L फोर, वैसे L माइनस वन किया तो L थ्री। This formula is correct. Tanvi Mangal? Yes, sir. Tanvi? मैंने क्या बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी एड या सब्सट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? इन वन फिजिकल क्वांटिटी सर दोबारा रिपीट कीजिए। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी किस कंडीशन पे ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है? सर जब उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। द डायमेंशन इज सेम, राइट? सेम, अदरवाइज वन फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी ऐड टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे b = u + at, तो at इज u के साथ कब ऐड हुआ है, अब दोनों की डायमेंशन सेम है, राइट? अगर मैं आपसे इसकी डायमेंशन निकलवाऊं a की इस फॉर्मूले को यूज करके तो क्या आएगी? ये अननोन है कुछ, मैं तो यहां ले रहा हूं y, ले रहा हूं y, x ले लिया कोई, अब इस x की डायमेंशन क्या आएगी? lt-2। अनुराग सिंह कैसे पता किया? सर यू की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और अगर एल टी माइनस वन इंटू मतलब उसे इक्वल में रख दें एक्स इंटू टी, तो एक टी उधर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा वही एल टी माइनस टू हो जाएगा, राइट? पहली बात तो ये होती है कोई फिजिक का फॉर्मूला होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होती है ना,
एच एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कब होती है? जब डायमेंशन सेम होती है। अब अगर ऐसे नहीं करती, आपका उनको कॉन्सेप्ट सही है, डायमेंशन ऑफ बी जो होगी वो डायमेंशन ऑफ एक्स टी के इक्वल होगी ना, है ना? तो डायमेंशन ऑफ एक्स निकालनी है, मान लीजिए तो टी नीचे आ गया, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, बी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, टी की डायमेंशन टी, देन द डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल टी माइनस टू। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी अननोन होगी, उसकी डायमेंशन बतानी है। ओके समर्थ जैन बताएंगे मुझे, समर्थ जैन आपका वीडियो दिख नहीं, देखा आपका फेस नहीं दिख रहा। यस सर, आपको मुझे फेस नहीं दिख रहा, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप बताएंगे। ओके ओके सर, देखो ध्यान से बहुत इजी पूछूंगा मैं भी, कभी आप न्यू स्टूडेंट हो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा कि आपको लगे कि सर मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पूछना है कि कुछ सीख रहे हैं नहीं। एक फॉर्मूला है समझ, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, कोई फॉर्मूला है राइट? दिया गोयल, दिया गोयल, दिया गोयल, पार्टिसिपेंट में जाओ मुझे, पार्टिसिपेंट में जाकर मुझे एडमिन बना दो, पार्टिसिपेंट में जाओ, रहने दो, रेडी मैम आ गई है, आगे रहने दो। ये फीस का फॉर्मूला, एक कोई फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू राइट? अब आपको जो है ए बी सी डी सबकी डायमेंशन बतानी है। x यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ओके पेन यूज नहीं करना, सबसे पहले ए की डायमेंशन बता दो सार्थक, 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 आओ भाई सार्थक, क्लास से गायब हो गए क्या? LT दिमाग लगाओ, दिमाग, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी? सर नहीं आ रहा क्या? इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, अब टी को नीचे लाओगे तो क्या होगा? ओके एल, ओके बोलो बोलो सर, रुकिए करना पड़ेगा। टीपी नीचे आ गया, टीपी डायमेंशन क्या होती है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? एलटी माइनस वन, एलटी माइनस वन, वेरी गुड, वेरी गुड। देन सी सर एलटी माइनस थ्री पावर इज टू, देन हाँ एलटी माइनस थ्री, अरे टू पावर है बेटा, इसके इसको इसको देखो ना, इसको इसको देखा करो, इसको इसको देखा करो, इससे मत देखो, इसके साथ ये टू नीचे आएगा तो पावर कितनी हो गई सर? समझ LT माइनस टू, डायमेंशन ऑफ डी टू, डायमेंशन ऑफ डी एल अपॉन टी थ्री, एल की माइनस एल की पावर वो एल टी माइनस थ्री। ओके अनदर क्वेश्चन इज कंटिन्यू टू यू, वंस अगेन दिमाग लगाना, आई विल हेल्प यू इफ यू फील एनी प्रॉब्लम। बी इज द वेलोसिटी, ये प्लस का साइन है, ये टी है, ये बी टी है, ये सी और डी प्लस टी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? बी इज द वेलोसिटी, ओके एल टी माइनस वन, वेरी गुड एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ बी? डायमेंशन ऑफ टी इज एल टी माइनस वन अपॉन टी, हो गई ये एल टी माइनस टू राइट, वेरी गुड कैरी ऑन।
डायमेंशन ऑफ पहले डी निकालो फिर सी की निकालेंगे। डी की डायमेंशन के क्योंकि दिमाग लगा ना मेरे कॉन्सेप्ट चल रहा है। डी की निकलेगी पहले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी दिमाग लगाओ साथ साथ डी किसी के साथ ऐड हो रहा है समझ डी किसी के साथ ऐड हो रहा है एल टी माइनस समझ थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे। एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होती है इफ देयर देयर डायमेंशन इज सेम। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी ऋतिक पुष्पा ऋतिक पुष्पा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी बोलो बेटा बोलो ऋतिक बोलो कुछ बोल रहे हो आप ऋतिक निशांत बोलेंगे निशांत निशांत 30 होगी। यस एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी तभी ऐड होगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अब डायमेंशन ऑफ सी कौन बताएगा क्लास में फास्ट वेरी फास्ट LT वेरी गुड दैट इज L। कैसे पता हुआ इसकी LT माइनस वन ये T इधर आया LT माइनस वन LT माइनस वन इंटू टी एल टी गायब हो गया दैट इज L। नोट करो फटाफट हेलो अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ अभी बात करना 11 बजे हेलो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही 11 बजे बात करूँगा। हेलो ये बच्चे का है ना उस बच्चे का है ना अब इसको मैं इसका अभी कवरिंग लेटर बना के भेज देता हूँ कोशिश करेंगे वैसे ऐसे करना बच्चे की साल खराब करें या परेशान करें अब जो जल्दी से जल्दी करते हैं जल्दी से जल्दी करेंगे हेलो हाँ स्कूल में आइए फॉर्म लीजिए उसको फॉर्म को फिल कीजिए फीस जमा कीजिए नहीं मैं भेज दूंगा स्टिकर क्लियर क्लियर हुआ टॉपिक यस सर कल का होमवर्क यस सर पी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी रूट एक्स फाइंड ए एंड बी पी